अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कुछ बात भी करेंगे। पुराने जमाने के समय में वाद्य यंत्र आता था, इसको सारंगी कहते थे, और वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। मगर आज हम बैठे थे, अचानक से ये दादा हमारे साथ हैं आए, इनके हाथों में हमने देखा, इनको अंदर बुलाया। यह बहुत पुराना वाद्य यंत्र है, यह एक इनके कमाने खाने का जरिया है, लोगों को गाना सुनाते हैं अब, और यह यंत्र बजाते हैं। बहुत मनमोहक इसकी आवाज़ होती है, जो आप आवाज़ जो है हम आपको सुनाएंगे, काफ़ी मनमोहक होता है। हम इनसे जानेंगे कि कैसे, क्या इसकी प्रक्रिया है। दादा कहाँ से आए हैं? हमारा गांव साहब चुराट है, मेरा गांव भटावा नगबेल है। क्या कहते हैं ये जो यंत्र आप बजा रहे हैं? ये सरंगी है बाबू जी। ये कितना पुराना है? हाँ पुराना बहुत है। कितना पुराना होगा? 50-60 साल। आप कब से बजा रहे हैं? अरे हो गए 10 साल हो गया। तो ये इसको बजाना कहाँ से सीखा आपने? हो गए से हमारे गुरु रहे हैं तो वहीं सिखाए हैं। क्या आपका ये पारिवारिक पेशा है या सिर्फ आपने बजाया? नहीं साहब, हमारी पारिवारिक पेशा है, हमारे बाबा पूर्वज भी यही करते थे। यही करते। तो इसको आपने कमाने का जरिया बना रखा है, तो कितना कमा लेते हैं? होगा बाबूजी, जो भगवान 100-200 देता है तो उसी में घर परिवार इससे चल जाता है। होगा संतोष, तो भोजन तो मिलता है बाबू। तो यह जो दिखने में जो लग रहा है कि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसमें क्या ऐसा लगा होता है कि उससे आवाज़ निकलती है? इसको बंद किए हैं ना, इससे नीचे से आवाज़ निकलती है। ये अंदर से निकलता है, कोई स्पीकर वगैरह कुछ ऐसा इसमें लगा नहीं है। यह वाद्य यंत्र पूरी तरह से देसी कह सकते हैं, इसमें कुछ लगा नहीं है, ये सिर्फ लकड़ी का बना हुआ है। ये जो लगा होता है ये क्या होता है? ये तार है बाबू, ये तार। ये तार, इस तार पे घर्षण होता है। तो आपको हम दिखा रहे हैं जो इस तार पे, इससे इसको क्या कहते हैं दादा? ये घोड़ा का बाल है। ये घोड़े का बाल है? तो घोड़े का बाल इतना मजबूत होता है, घिसते हैं, कटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये घोड़े का बाल लगा होता है, और इस घर्षण से, इसके घर्षण से ही आवाज़ जो है, ध्वनि पैदा होती है। तो यह सारंगी आप देख रहे हैं, इन्होंने कमाने का अपना जरिया बना रखा है, और जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास रोज़गार की सुविधा नहीं है। इनका ये पारिवारिक पेशा है, पुराने जमाने से जो चला आ रहा है, ये आज भी वही अपना रहे हैं। तो यह अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ मोबाइल में शायद ही देखे होंगे, कि क्योंकि गूगल का ज़माना है, गूगल में सब कुछ पुरानी चीज़ें भी दिखती हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो यह एक नायाब चीज़ था। सब गोल मिलिया झगड़ा कर दा, हमारा लगे दी दही जगनैया माता दसो दस गवै हो, माता दसो दस गव एक बाला जोगी बासुरी बाला सुज बिसरा गई मोरी हो, सुज बिसरा गई मोरी कालिया दा गुदी जाइयो गाल।
लिया जा गुरी जाए एक बाला जोगी बासुरी माला सुझ भी सरा गई मोरी ओ सुझ भी सरा गई मोरी इतना सुंदर आया ललन बा इतना सुंदर आया ललन बा लई जाया जान बचाई हो लई जाया जान बचाई एक बाला जोगी बासुरी माला एक बाला जोगी बासुरी बाला सुझ भी सरा गई मोरी हो सुझ भी सरा गई मोरी अरे गवाद गेहूँ मैं सजरी गटियाल चुनरिया में गटियाल चुनरिया में सजरी गटियाल चुनरिया में और कहीं तो गड़ना लग जाना तेरी वाली उमरिया में अरे के बाद गूँ मैं सजरी गटियाल चुनरिया में गंगा नहाल जमुना नहाल और नहाल मथुरा गंगा नहाल जमुना नहाल और नहाल मथुरा और कहीं एक दिन बह जाओ भी सजनी गंगा की लारिया में अरे के बात गूँ मैं सजनी गटियाल चुनरिया में गटियाल चुनरिया में सजरी गटियाल चुनरिया में और कहीं तो गड़ना लग जाना तेरी वाली उमरिया में माया दौलत महल गजाना सब माटी मिल जाना माया दौलत महल गजाना सब माटी मिल जाना और कहीं अलमोल भी गजाओ भी सजनी माया की नगरिया में अरे के बात कहूँ मैं सजनी गटियाल चुनरिया में गटियाल चुनरिया में सजरी गटियाल चुनरिया में और कहीं तो गड़ना लग जाना तेरी वाली उमरिया में सोने गई तराजू सजनी चांदी गई बजरिया सोने गई तराजू सजनी चांदी गई बजरिया और कहीं अलमोल बिक जाओगी सजनी माया की नगरिया में और ये के बात गूँ मैं सजनी गटियाल चुनरिया में